आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। रात 8 बजे लुक छिपकर एक दूसरे से मिलजुल रहे प्रेमी जोड़ों को गांव के लोगों ने पकड़कर कराई शादी। खबर जखनिया से है, जहां जखनिया में आजमगढ़ के रहने वाले लड़के का प्रेम प्रसंग जखनिया की रहने वाली से हो गया। यह प्रेम प्रसंग काफी दिनों से चल रहा था। आज रात 8 बजे सूचना दिए बगैर मंदिर परिषद में शादी करा दी। शादी के दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। बक्सर के चौसा प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गाजीपुर बिहार की सीमा सील। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर और बिहार से सटी सीमा को सील कर दिया गया है। बता दें कि बिहार प्रांत के बक्सर जिले के चौसा प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर यूपी बिहार की सीमा सील कर दी गई है। इसके साथ ही सभी मार्गों पर गहमर व बिहार प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर आवागमन करने वाले वाहनों की जाँच भी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ने वाले बारा व देवल पुल के उस तरफ बिहार पुलिस को तो दूसरी तरफ गहमर पुलिस द्वारा बैरियर लगाया गया है, जहां से पुलिस की जांच के बाद ही वाहनों को बिहार में आने जाने दिया जा रहा है। कासमाबाद के राजापुर कटिया चट्टी पर स्थित बकरी पालन केंद्र का ताला तोड़ चोरों ने 20 बकरियां को किया चोरी। पीड़ित ने दिया थाने में तहरीर। खबर कासमाबाद से है, जहां राजापुर कटिया स्थित बकरी पालन केंद्र का ताला तोड़कर बोलेरो सवार चोरों ने केंद्र में रखी 20 बकरियों को बोलेरो में लादकर फरार हो गए। वहीं भुक्तभोगी ने इस घटना की तहरीर कासमाबाद कोतवाली में दे दिया है। पुलिस तहरीर लेकर छानबीन में जुट गई है। गाजीपुर के बिशुनपुर गांव की बीएलओ ने लगाया पूर्व प्रधान के पुत्रों पर मारपीट का आरोप। कहा, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान फर्जी नाम बढ़वाने की कर रहे थे, बाद किया मना तो जूते से पीटा। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के बिशुनपुर गांव में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ जब लोगों के नाम बढ़ाने और पुनरीक्षण का कार्य कर रही थी, उसी दौरान पूर्व प्रधान के दो पुत्र आए और उन्होंने बीएलओ से फर्जी नाम बढ़वाने की बात कही, जिस पर बीएलओ ने इस बात से इनकार किया तो वो लोग गाली गलौज करने लगे। इसका विरोध करने पर उन्होंने बीएलओ को जूते से पीटा, जिसके बाद बीएलओ ने इस बात की शिकायत गाजीपुर जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह से की और न्याय की मांग की। कासमाबाद में डीएम ने की मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा। बीएलओ सुपरवाइजर और एआरओ के खिलाफ की प्रतिकूल प्रविष्टि। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के कासमाबाद में डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने नेशनल इंटर कॉलेज के परिसर में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ व सुपरवाइजर के साथ बैठक की। आपको बता दें कि जहूराबाद विधानसभा के बूथों की समीक्षा भी उन्होंने की। कुछ बूथों पर युवाओं और महिलाओं के वोट बनाने का कार्य काफी धीमा था, जिस पर जिलाधिकारी भड़के। अब इस मामले में डीएम ने बीएलओ सुपरवाइजर और एआरओ को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की है। वहीं डीएम के इस एक्शन से संबंधित अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य जनपद में तेजी से चल रहा है। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम करें और नए मतों पर विशेष ध्यान दें और पुनरीक्षण का कार्य भी तेज गति से किया जाए। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे। बारा से फिरोजपुर को जोड़ने वाले पीपा पुल के निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद जमानिया विधायक ने किया शिलान्यास। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के बिहार सीमा से सटा बारा इलाका जो गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के किनारे बसा हुआ है, यहां पर गंगा नदी को पार करने के लिए कुछ ही मिनटों में लोग मोहम्मदाबाद इलाके तक पहुंच सकते हैं, लेकिन साधन के अभाव में उन्हें करीब 40 किलोमीटर लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। इसी को देखते हुए जमानिया विधायक के द्वारा बारा से फिरोजपुर को जोड़ने के लिए पीपा पुल की मांग की गई थी, जिसकी मंजूरी शासन के द्वारा मिल गई है और अब पीपा पुल का निर्माण जल्द ही शुरू होगा, जिसको लेकर जमानिया के विधायक ने शिलान्यास कार्यक्रम किया।
इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। विधायक ने क्षेत्रवासियों को हर संभव विकास करने का भरोसा दिया। वहीं विकास के लिए स्कूल को वरदान बताया। बता दें कि बारा में पीपा पुल के निर्माण से बारा, गहमर सहित, कमसार सहित गंगा पार के गांव अब सीधे मोहम्मदाबाद एवं बलिया जिले से जुड़ जाएंगे। बता दें कि शासन ने पीपा पुल निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया है, जिसका टेंडर हो गया है और काम भी शुरू हो चुका है। गाजीपुर के राइफल क्लब में मिशन कायाकल्प के तहत डीएम ने ली बैठक। पंचायत भवन का निर्माण शुरू नहीं होने पर वीडियो का रोका वेतन। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने खंड विकास अधिकारी मनिहारी को 2 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए उनका 1 माह नवम्बर माह का वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। इसी के साथ ही चेतावनी दी कि निर्माण कार्य यदि 15 दिन के अंदर नहीं शुरू हुआ तो शासन स्तर पर निलंबन के लिए पत्राचार किया जाएगा। जिलाधिकारी मिशन कायाकल्प के तहत बीडीओ संघ समीक्षा बैठक कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने यह एक्शन लिया। देवकली के मोहलिया गांव में जमीनी विवाद का निस्तारण न होने पर मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहाँ सैदपुर के देवकली स्थित मोहलिया गाँव में जमीनी विवाद का निस्तारण न होने पर उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता मौके पर पहुंचे। बता दें कि देवकली के मोहलिया गांव में जमीनी विवाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा था और दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। उसके बाद मौके पर उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता पहुंचे और इस दौरान उन्होंने और वहाँ मौजूद दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। फिर उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने जमीन की नापी कराई और जमीनी विवाद का निस्तारण हुआ। गाजीपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने दिया निर्देश, आश्रय गृहों में हो साफ सफाई। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में आश्रय गृहों के निरीक्षण के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष व अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो न्यायालय विष्णु चंद वैश्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव कामायनी दुबे ने नव सृजित न्यायालय अपर सिविल जज चतुर्थ विनायक सोमवंशी ने राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड राजकीय संप्रेषण गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मेन गेट, परामर्श कक्ष, हॉल, बाथरूम एवं शौचालय में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय समय पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें। सैदपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर ने बीएसपी का साथ छोड़ थामा, एसपी का दामन, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां सैदपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर ने सस्पेंस खत्म करते हुए सपा की सदस्यता ले लिया है। उन्होंने बसपा छोड़ सपा का दामन थामा है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शशि सोनकर को सदस्यता दिलाई। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी भी मौजूद रहे। वहीं सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह से भी आशीर्वाद लिया। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।